पाकिस्तान की तो मानो सांसें ही अटक जाती होंगी जब किसी नए देश से ये खबर आती होगी कि वो देश भी भारत के समर्थन में खड़ा है। सूख जाता होगा पाकिस्तान का खून। एक एक करके हर देश ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। मुद्दा वही चल रहा है, कश्मीर से धारा 370 हटाने वाला। लेकिन पाकिस्तान को झटके रोज नए नए लग रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने घूम घूम कर कश्मीर से धारा 370 के हटने का रोना रो चुके पाकिस्तान को हर जगह सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। और अब मालदीव ने भी पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच फोन पर बात हुई थी। बातचीत के दौरान अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला भारत का आंतरिक मामला है। मालदीव के विदेश मंत्री ने दोनों देशों को शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने के महत्व पर जोर दिया और ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश मालदीव के करीबी दोस्त हैं और द्विपक्षीय साझेदार भी हैं। बताते चले कि भारत सरकार के जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान मानो पगला सा गया हो। हालात उसके इस कदर खराब हैं कि वो बौखलाहट में इधर उधर घूमकर लोगों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश कर रहा है, लेकिन हर जगह से उसे नाकामी ही हाथ लगी। यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी इस मामले में मध्यस्थता करने से साफ मना करते हुए भारत का आंतरिक मामला करार दिया। जहां एक तरफ मुस्लिम देशों ने भी पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े रहने से साफ मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। अब तो पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय आतंक के खिलाफ उन शर्तों को मानने का जिनकी वजह से हर देश ने उससे दूरी बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।